तो हेलो एवरीवन, तो फाइनली अब सभी बच्चों का राउंड थ्री के रिजल्ट रिलीज़ हो चुका है। तो जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा गया, लास्ट डे टू मेक डिसीजन एंड पेमेंट फॉर राउंड थ्री इज़ 5 PM 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर लास्ट डेट है पेमेंट एंड डिसीजन मेकिंग का। एंड ध्यान देने वाली बात ये है कि देयर इज़ नो सरेंडर पीरियड इन राउंड थ्री। तो जैसे कि आपको अगर कोई कॉलेज अलॉट हो गया है एंड सपोज़ आपने पेमेंट कर चुका था राउंड टू में या राउंड वन में, तो अभी आपको रिफंड नहीं मिल सकता है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है राउंड टू में एंड फर्स्ट टाइम कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, देन सिंपल सी बात है, आप उसको एक्सेप्ट करो या लीव करो। लेकिन अगर आप पेमेंट कर दिए हो तो आप रिफंड नहीं ले सकते हो। आपको जो राउंड थ्री में जो कॉलेज मिला है या जो राउंड टू का कॉलेज रह गया उसी में आपको एडमिशन लेना होगा। तो 26 दिसंबर तक के टाइम में आपको फ़ी पेमेंट करने का, ठीक है। एंड 27 दिसंबर तक आपको रिपोर्टिंग करना है। तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उनसे अगर बात कर लो कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। अदरवाइज़ आप उतने दूर से जाओगे कॉलेज में, अदरवाइज़ फिर पता चला कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो जहाँ पर भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर प्लीज़ कॉल कर लो एंड डिटेल में बातें पूछ लो कि डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना पड़ेगा एंड प्रोसीजर क्या। अब मैं आपके लिए एक ग्रुप बना के रखा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा हूँ, ठीक है। तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये लिस्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप है। तो अगर तुम्हें कोई भी कॉलेज अलर्ट हुआ लाइक NIE मैसूर, BMSIT, RNSIT, ठीक है, मीनाक्षी, SMVIT, तो कोई भी कॉलेज अगर अलर्ट हुआ है तो ग्रुप में जाइए एंड कुछ भी क्वेरी है तो आप खुद अपने आप में डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस सारे ग्रुप्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आपको जो भी कॉलेज अलर्ट हुआ है तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए एंड कुछ भी क्वेरी है तो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे दूर से आते हैं तो समझ में आता है नहीं कैसे क्या करना है, तो ये आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब अगर बात किया जाए लास्ट ईयर का कट ऑफ राउंड थ्री एंड इस ईयर का कट ऑफ राउंड थ्री, तो देखो लास्ट ईयर एक कट ऑफ की तरह नहीं रहा इस साल, ठीक है। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे थे, इनफैक्ट हर एक मतलब बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे, हर एक यूट्यूबर बता रहे थे कि इस साल कट ऑफ इंक्रीज़ करेगी क्योंकि नंबर ऑफ सीट इंक्रीज़ हो गया है। तो लास्ट ईयर का कट ऑफ हिसाब से इस साल कट ऑफ नहीं हुआ है। तो देखिए वैकेंट सीट स्टिल अभी मौजूद है, तो राउंड फोर होने का पॉसिबिलिटी तो कन्फर्म है कि राउंड फोर होगा ही होगा। अब किन बच्चों अप्लाई कर सकते हैं ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ सप्लीमेंट्री बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो राउंड थ्री के बाद, यानी कि सपोज़ कोई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कोई कॉलेज मिला लेकिन वो एडमिशन नहीं करवाएंगे, ठीक है। सपोज़ उनको राउंड टू तक कोई कॉलेज मिला ही नहीं था एंड राउंड थ्री में कोई कॉलेज मिल गया, लेकिन स्टिल हो सकता है कि वो बच्चे एडमिशन नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो राउंड थ्री के बाद यानी कि रिपोर्टिंग के बाद जो 27 दिसंबर है, तो 28 दिसंबर को आपको वैकेंट सीट का डेटा रिलीज़ किया जा सकता है, कितने सारे सीट वैकेंट है, एंड उसके बेसिस पर कमेंट के लिए डिसाइड करेंगे कि किन किन बच्चों को अलाउ करना है टू पार्टिसिपेट इन एक्सक्लूसिव राउंड। तो आपको राउंड फोर के लिए अगर वेट मतलब पार्टिसिपेट करना है तो आप 28 दिसंबर डेट है उसको एक्सपेक्ट कर सकते कि किस कॉलेज में कितने सारे सीट वैकेंट है, एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो वैसे अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है एंड आपके रैंक हिसाब से आपको अच्छा कॉलेज अलॉट हो गया, तो राउंड फोर के अब एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ मैं इसको लीव करूँगा, मैं राउंड फोर में पार्टिसिपेट करूँगा, तो हो सकता है आप एलिजिबल ना हो, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई अच्छा ब्रांच या कोई अच्छा कॉलेज अलॉट हो गया आपके रैंक हिसाब से, आपके रैंक हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू योर रैंक, देन आप एडमिशन करवा लो। आप ये मत सोचो कि मैं राउंड फोर या एक्सक्लूसिव में पार्टिसिपेट करके अच्छा कॉलेज अच्छा ब्रांच में एडमिशन ले लूँगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बातें समझ में आ रही है। वैसे कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो एंड हम लोग जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ जो इंडिविजुअल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया हर एक कॉलेज का उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके।